श्राप से मुक्त करने के लिए ये तो हमारा फर्ज था। बुरी परी, तुम हमारी मदद करो, फिर देखो हम कैसे भीम को बीच मैदान धूल चटा देंगे। भीम को हारते हुए देख मुझे बड़ी खुशी मिलती है। इस जादुई हॉकी को पकड़कर तुम ऊंची से ऊंची छलांग लगा सकते हो। और फिर उछलते उछलते धनादन गोल की बारिश कर देना। भीम की हार पक्की। कोई धोखाधड़ी नहीं, ईमानदारी से खेल खेलना है, ठीक है? ये लो चुप्पी। पकड़ो
पहलवानपुर का गोल। भीम को हारते हुए देखने में जो आनंद मिलता है मैं बता नहीं सकती। अच्छा तो इसके पीछे बुरी परी का हाथ है। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी, हमारा इतना सुंदर स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मुझे कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सब वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ। माफ करना दादी जी। तुम थक गई हो ना बच्ची, ये पानी पी लो। उस्ताद, असली करतब अब शुरू होने वाले हैं। और इस साल हमारे बीच है खास परी, जो उम्र से है परी नन्ही मगर प्रतिभा से है सबकी नानी। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी परी कपिला का। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे बचाओ। भूकंप भूत कम नहीं ज्यादा लगी है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? हाँ भीम, तुमने कर दिखाया। लेकिन ये टुकड़े जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोशन का इस्तेमाल किया है। हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। तैयार हो राजू? कोशिश कर रहे हो भीम? अब जाकर दिखाओ। शुक्रिया कपिला। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। ये मैं कहाँ चली?
98। नो, अब मैं आ रहा हूँ। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। वाह, इतने अद्भुत छल्ले। ये मेरा वाला है। वैसे तुम पे जंच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है, हम सब गिर कैसे गए? ओ, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। ना दोबारा करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हमें क्यों वश में करना चाहते हो, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तो मेरे छल्लों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, एक आसान तरीका भी है, भीम का छल्ला उतार दो। अब इन छल्लों का क्या मतलब, जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा। गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम भूत हो तो क्या हुआ, इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। हजारों सालों में पहली बार सिंगा तारा पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। अब मैं झील के खतरनाक जोर तानव को वापस बाहर ला सकती हूँ। झील से निकला हूँ मैं, सबको डुबा दूंगा। जोर दानव नाम है मेरा, सबको झुका दूंगा। मुझे आजाद करने के बदले तुम्हें एक इच्छा देता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें भीम और पूरे ढोलकपुर गांव को बर्बाद करना है, यही है मेरी इच्छा। बस इतनी सी इच्छा? कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणेश जी। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी के लिए हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं?
ये राजा इंद्र वर्मा का सुझाव था राजू। इन मूर्तियों का विसर्जन हम गांव की नदी में करेंगे। मिट्टी की मूर्तियां आसानी से पानी में पिघल जाएंगी और पानी साफ रहेगा। हाँ चुटकी, राजू देखो जग्गू और मैंने गणेश जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनाया है। चलो चलो भीम, गणेश जी को सिंहासन पर बिठा दो, गणेश उत्सव की पूजा शुरू हो गई है। चलो चलो चलो। की तरह छुप गए, मुझसे बच नहीं पाओगे। ये दानव तो बहुत ही ताकतवर है, हम इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। चुटकी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ भीम तुम सही कह रहे हो, गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी हमारी मदद करो। वो दानव बहुत ही शक्तिशाली है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। वो एक जल दानव है, उसे हम गांव की झील में कैद कर सकते हैं। उसके लिए हमें ढेर सारा तुलसी रस चाहिए। तुलसी रस हम बना लेंगे। मैंने कहा जाओ। बुरी परी जोर सिर्फ इसमें नहीं। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। अरे शुक्रिया छोड़ो और कुछ लड्डू ले आओ, इस दानव से युद्ध करने के बाद बहुत भूख लग रही है। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है, जिसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है, इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी! आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। इसी बात पर एक लड्डू हो जाए, एक 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 सबको सबको। कर रहे हो, तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। पूरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ, शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुँचाने हैं। अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बुम बुम। Ha ha ha!
मजा कर लूं। को चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा परमा परमा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा, ये गद्दी अब मेरी। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम? देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। अपनी शक्ल आईने में देखी है? करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ?